गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बजे हैं, मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ। अभी परमिशन लेके आई हूँ डॉक्टर से कि सर मेरे को 15-20 मिनट का टाइम चाहिए। और मैं आई हूँ स्पेशली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही सुन रही हूँ, नर्सेस ये हैं, नर्सेस वो हैं, नर्सेस ऐसी हैं, नर्सेस वैसी है। भाई क्यों है, किसकी बनाई हुई है? तुम लोगों की ना। अगर तुम लोग सही हो तो नर्सेस भी सही है। मैं बोलती हूँ आई एम प्राउड टू बी अ नर्स। नो वाई, क्योंकि एक नर्स के बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता। अगर एक नर्स एक दिन की छुट्टी कर लेगी ना, तो कितने पेशेंट्स होंगे उसके अंडर, उन सब का ट्रीटमेंट खत्म। एक डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल चल जाता है, नर्स के बिना नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि नर्सेस को गंदा बोलने वाले, जरा सोचो, अगर नर्सेस नहीं होती तो हॉस्पिटल का क्या होता? एक दिन अगर नर्सेस ने स्ट्राइक कर दी ना, तो एक डॉक्टर किस किस को हैंडल कर लेगा? एक को, दो को, चार को, बस 10 को। एक नर्स एक टाइम पे 70 पेशेंट हैंडल करती है। आके देखो जरा हमारे हॉस्पिटल में जहाँ मैं जॉब करती हूँ, हमें पता है कितना मुश्किल होता है हमारे लिए। तुम लोग कुछ भी बोल देते हो यार, मतलब ये तो सोचो कि जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी भी है, किसी की माँ भी है, तो ऐसे कैसे बोल सकता है कोई? और एक बात बताऊँ, एक लड़के की माँ के पैर में कीड़े पड़ गए थे, तो उसको शुगर थी, वो ठीक नहीं हुआ, कीड़े आ गए। बेटे ने बोला पैर काट दो, एक स्टाफ नर्स ने बोला कि काटने की ज़रूरत नहीं है, इनको दाखिल कर दो हॉस्पिटल में, हर रोज़ मलहम पट्टी होगी तो जल्दी पैर ठीक हो जाएगा, ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे अगर नहीं ठीक हो। बेटा पास भी नहीं आता था जब मलहम पट्टी होती, पता है क्या, क्योंकि उसको बदबू आती। एक स्टाफ नर्स थी जो काम करती थी, जो पट्टी करती थी, जिसने पैर को कटने से बचा दिया था। मतलब कुछ भी बोल देते हो, यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बस कीजिएगा प्लीज। नर्सेस इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी आप लोगों ने बना दी हैं। और अगर नर्सेस से इतनी ही प्रॉब्लम है, तो क्यों करवाते हो कोर्स नर्स का? मत करवाया करो कोर्स। आप लोग ही हो ना जो नर्सेस का कोर्स करवाते हो, नर्सेस बनाते हैं अपनी बेटियों को, माँ बाप पागल हैं क्या? और एक बात, किसी के भाई के सामने, मेरे भी भाई हैं, किसी के भाई के सामने, किसी नर्स के भाई के सामने अगर तुम खड़े होकर ये बात बोलोगे नर्सेस ऐसी हैं, नर्सेस वैसी हैं, नर्सेस ये करती हैं, नर्सेस वो करती हैं, उस भाई के दिल पे क्या बीतेगी जिसको ये पता है कि मेरी बहन भी एक नर्स है? क्या सोचेगा वो? कितने सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आप लोगों की वजह से अपनी बेटियों को पढ़ाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचिए ऐसे बना लेते हो। ये 5 fingers हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल? नहीं, ठीक है, ये सबसे ऊपर है, इसको स्टाफ नर्स मान लेते हैं, पर जो नीचे हैं उनमें फ़र्क कितना है? थोड़ा ही थोड़ा फ़र्क है ना, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है ना। तो अगर नर्सेस सबसे ऊपर हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी उनसे कम नहीं है, बस फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। चाहे लड़कियां पुलिस में हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रही हैं, चाहे कुछ भी है, अगर नर्सेस गलत हैं तो बाकी लड़कियां भी इतनी साफ दूध की दुनिया नहीं है। तो नर्सेस इसलिए गंदी होती हैं, बना रखी है लोगों ने, होती नहीं है, बना रखी है, क्योंकि
हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा ऐसा ही है, हमारी लाइन थोड़ी ऐसी है जिसमें हमें ओपन माइंडेड होके चलना पड़ता है। हमें पेशेंट को क्लियरली पूछना पड़ता है कि हाँ आपको ऐसे क्या दिक्कत है, हमें ओपन होना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत होती है, ज़रूरी नहीं है सब एक जैसे होते हैं। बख्श दो यार, मत बोला करो नर्सेस को कुछ भी, इतनी भी गलत नहीं होती है नर्सेस। एक वो ही होती हैं जो रात रात को इतनी ठंड के टाइम में रात को नाइट ड्यूटी करती हैं, आधी रात को उठ के एक पेशेंट के लिए जाती हैं। नर्सेस ही होती हैं, डॉक्टर्स नहीं रहते रात को, नाइट ड्यूटी नर्सेस करती हैं भाई। हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, हमारे दिल से पूछो कि हमें कितना कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी। तुम लोग ये क्यों नहीं समझते, हमारी वजह से ही तुम्हारे माँ बाप भाई बहन बीवियाँ बच्चे कितनों की ज़िंदगी बचती है। अगर हम लोग हॉस्पिटल्स जाना छोड़ देना तो एक दिन कोई डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चला सकता, एक दिन जिसको बोलते हैं। सिर्फ एक नर्सिस की वजह से हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। दिमाग में बिठा लो इस बात को, कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोचो कि तुम बोल क्या रहे हो। अगर तुम लोग नर्सिस को अपनी बेटी बहन की तरह समझोगे तो नर्सिस भी गलत नहीं होंगी। क्यों नहीं समझते, जितना टाइम तुम नर्सिस को गंदा 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 बोलने में लगाते हो, इतना टाइम अपनी सोच को सुधारने में लगा लो, ये देश भी सुधर जाएगा। इस देश का भला करने के बारे में सोचो, नर्सिस को गलत बताने से कुछ नहीं होएगा। पागल नहीं होते पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को इतना इतना पैसा लगा के पढ़ाते हैं, पागल नहीं होते वो पेरेंट्स जो ये सोच के कोर्स कराते हैं कि हमारी बेटी शायद किसी का भला कर सके अपने हाथों से। सभी एक जैसे नहीं होते भाई, हमें इतना भी बदनाम ना करो कि कुछ नर्सिस सुसाइड करने की कंडीशन पे आ जाती है सुन सुन के। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे को ये बताते हुए इतनी शर्म आती है कि मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, जबकि प्राउड फील होना चाहिए आई एम अ स्टाफ नर्स। लेकिन लोगों ने इसको इतनी गलत चीज़ बना दी है कि किसी को नहीं बता सकते कि हम एक स्टाफ नर्स हैं। पता नहीं कब ये देश सुधरेगा, पता नहीं कब यहाँ पे लड़कियों की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी लोगों को, पता नहीं कब। प्लीज़ मत बोला करो। और इतनी ठंड में नाइट ड्यूटीज करना उतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग नर्स की लाइफ को इजी समझते हो भाई। एक नाइट ड्यूटी में हॉस्पिटल में सिर्फ एक स्टाफ नर्स ही होती है, कोई डॉक्टर नहीं बैठता वहाँ, स्टाफ नर्स बैठती है पूरी रात। एक चेयर के ऊपर भी बैठना नहीं मिलता। एक नाइट में अगर एक एमरजेंसी आ भी जाती है तो 2-3 घंटे तो उस एमरजेंसी को हैंडल करवाने में ही लग जाते हैं। कोई नहीं होता नाइट ड्यूटी में हॉस्पिटल में, स्टाफ नर्स होती है। अगर तुम स्टाफ नर्सेज की रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते तो तुम अपनी फैमिलीज को भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जितनी जितनी रिस्पेक्ट ख़त्म होती जाएगी उतनी उतनी नर्सेज ख़त्म होती जाएगी, और जब नर्सेज ख़त्म हो जाएंगी तो हॉस्पिटल्स में तो ताले ही लगेंगे ना, कहाँ तक डॉक्टर्स हैंडल कर लेंगे, कहाँ तक। दुनिया में इतनी बीमारियाँ पड़ गई हैं, इतना कुछ हो गया है कि अकेला डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चला सकता, उन्हें ज़रूरत होती है हॉस्पिटल चलाने के लिए हमारी स्टाफ नर्सिस की। और भी पता नहीं यार लोगों को हो क्या गया आज के टाइम में, इतनी बख्शते, इतनी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अपना इंडिया ही है जो सबसे ज़्यादा नर्सिस ऐसा ये करने में लगे हुए हैं। सिर्फ मत करो ये सब, टाइम ही खराब कर रहे हो, खुद का भी
जिन लोगों को आप लोग सुनाते हो उनका भी, जिनके बारे में आप बोलते हो उनका भी। सॉरी अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो या कुछ भी करो, बस ये बोलूँगी कि लोगों की सोच को बदलो, लोगों को जागरूक करो। नर्सिस भी बुरी नहीं होती हैं, प्लीज़ कुछ भी मत बोलो नर्सिस के बारे में इतना उल्टा पुल्टा कि कुछ जिंदगियां जीना ही छोड़ दे, ना बोलो प्लीज़। बस इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ जागरूक कर दो लोगों को प्लीज़। पता नहीं कितनी नर्सेज होती हैं ऐसी जो बेचारियाँ इस शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती, जो भी नहीं करती कि नर्सेज को गलत बोलते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं जाने देते, पेरेंट्स नहीं जाने देते, कुछ के हस्बैंड्स नहीं जाने देते, कुछ के कुछ भी होता है, लेकिन प्लीज़ ना बोला करो, रिक्वेस्ट है आप लोग जागरूक कर दो, लोगों की सोच बदलने में मेरी हेल्प कर दो प्लीज़। खुद ही सोचो मेरे हाथ में क्या है, किसी को मेरा हाथ खाली नहीं दिखेगा, रिंग दिखेगी, कहेंगे रिंग है, ये नहीं दिखेगा कि खाली है। सेम हर एक इंसान की यही एक प्रॉब्लम है कि इंसान की अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिखती, एक बुराई दिख जाती है। सो प्लीज़ दिवे बुरी नहीं होती है, सोच बदल लो, जल्दी बदल लो, देश बदल जाएगा। थैंक यू।